फ्रेंड्स, आई एम एल पी राकेश, वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। और मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, मगर अब से रेगुलर वीडियो आएगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ ALP का मेडिकल में क्या क्या होता है और आज मैं आप लोगों के साथ मेडिकल एग्जाम में क्या क्या होता है उसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो भी LP एस्पिरेंट है वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आपको इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और रिगार्डिंग मेडिकल के रिगार्डिंग जो भी डाउट आपका रहता है उसको मैं अभी डिस्कस कर दूंगा सारे कुछ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मेडिकल एग्जाम होगा कब? तो मेडिकल एग्जाम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही होता है। और आपका मेडिकल एग्जाम कहाँ पे होगा, ये आप जहाँ से फॉर्म भरेंगे वहाँ पे जो भी मेडिकल मतलब जो भी हॉस्पिटल वहाँ पे रहेंगे उसके अंदर में, जो भी डिवीजन के अंदर में, वहाँ पे आपका मेडिकल लिया जाएगा। और मेडिकल एग्जाम लेने में कम से कम 2 या 3 डेज लग जाते हैं। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होता है तो 2 या 3 डेज लग जाएंगे, नहीं तो 2 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा मेडिकल। और आपका जो भी मेडिकल एग्जाम होगा उसका जो भी फीट में मेमो जो होता है वो आपको दिखाया नहीं जाता है, बस वहाँ पे डॉक्टर लोग लिख देते हैं और उसको RRB जो भी आप बोर्ड से भर रहे हैं वहाँ पे उसको भेज देते हैं ताकि वहाँ पे उन लोग मेडिकल कैटेगराइज कर सके और आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो, इसी प्रोसेस से कंप्लीट होता है। सबसे पहले जानते हैं कि आईज का चेकअप कैसे कैसे होता है और कितने टाइप का आई का टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले A1 मेडिकल एग्जाम लिया जाता है LP के लिए, और A1 मेडिकल में आपका आई 6x6 विजन मस्ट होना चाहिए तभी आपका ALP के लिए आपको फिट किया जाएगा, नहीं तो आपको वहीं से मेडिकली डिकेटेगराइज कर दिया जाएगा। तो आपका 6x6 विजन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एक डार्क रूम में ले जाया जाता है और वो डार्क रूम में आपको 20 फीट की दूरी से कम से कम 20 फीट रहता है, उसमें आपको बैठा दिया जाएगा एक चेयर में और वो पूरा डार्क रूम रहेगा। और एक आदमी आपको एक आँख में लेंस लगा दिया जाएगा और दूसरे आँख को ब्लैक लेंस से कवर कर दिया जाता है और वहाँ पे तुरंत आपको लाइट दिखाया जाएगा, रेड येलो ग्रीन बहुत सारे लाइट दिखाए जाते हैं एकदम छोटे। तो आपको वहाँ पे तुरंत कॉन्फिडेंटली बताना पड़ेगा कि कौन सा लाइट है। तो आप डॉक्टर को आपसे पूछते रहेंगे कि कौन सा लाइट दिख रहा है। उसके बाद आपका जो सेकेंड टेस्ट होता है इसी डार्क रूम में वो आपका लेटर टेस्ट होता है, जैसे C दिखा दिया जाता है, उसके बाद L दिखा दिया जाता है, ऐसे लेटर आपको पूछा जाएगा कि किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस डायरेक्शन में वो लेटर ओपन है, ऐसे करके आपको दिखाया जाता है। स्क्रीन पे आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ लेटर जो सी टाइप के रहते हैं, इस टाइप के लेटर वहाँ दिखाए जाते हैं और वहाँ पे पूछा जाता है कि आपको लेटर दिख रहा है कि नहीं। और जो लेटर रहता है वो 1 सेंटीमीटर का लेटर रहता है, मगर आप वहाँ पे डरिएगा मत क्योंकि वहाँ पे आपका आई 6x6 विजन रहेगा तो आप इजली देख लेंगे। और फिर आपको वहाँ पे डॉक्टर पूछते रहेंगे जल्दी, अगर आप सारे आंसर जल्दी दे देंगे कॉन्फिडेंटली और आपका लगेगा कि डॉक्टर भी आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ जल्दी आपका टेस्ट ले करके आपको वहीं से डार्क रूम से बाहर कर देंगे। टेस्ट किया जाता है आइज का, वो बायनोकुलर विजन टेस्ट किया जाता है, इसमें आपके आँख को बायनोकुलर में रख करके और उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपको आइज चेक किया जाता है कि आपके आइज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आगे मतलब उस टेस्ट में पास किया जाएगा। आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी चेक किया जाता है, जैसे कि रेड ग्रीन और येलो ये आपको कलर दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका जो हम लोगों की जॉब है इसमें आपका रेड ग्रीन येलो ये सारे ट्रैफिक सिग्नल में कलर रहते हैं। तो अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस रहेगा तो आपको वहीं से डायरेक्ट आउट कर दिया जाएगा मेडिकल में और फिर आपको दोबारा मेडिकल नहीं लिया जाएगा क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस वहां पे जिसके रहता है उसको मौका नहीं मिलता है। तो जो भी कलर ब्लाइंडनेस भी चेक किया जाता है और यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इस टाइप का आपको एक बुक मतलब वहाँ प्रोवाइड किया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा नंबर है या लेटर है, उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर पूछेंगे और वहाँ पे आप सब जल्दी बता देंगे तो आप कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में भी पास हो जाएंगे।
इसके बाद आपका एक फॉगिंग टेस्ट किया जाता है जिसमें आपके आईज में ड्रॉप डाल दिया जाता है और इसमें इंस्ट्रूमेंट में आपको चेक किया जाता है कि आप कहीं कोई लेंस लगा के तो एग्जाम में नहीं आया है। तो जो भी भाई सोच रहे हैं कि लेंस लगा करके मेडिकल एग्जाम में चले जाएंगे और पास हो जाएंगे तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि लेंस डीफॉगिंग टेस्ट में पकड़ में आ जाती है और वहीं से आपको फिर बाहर कर दिया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी भाई लेंस लगाना के लिए सोच रहे होंगे वो ऐसा ना करें, नहीं तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे। तो ये इतने सारे टेस्ट किए जाते हैं आइज़ के, इतने सारे आइज़ के टेस्ट होने के बाद आपको फिर और भी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे आपका ब्लड टेस्ट लिया जाता है, इसमें आपका शुगर है कि नहीं ये चेक किया जाता है, एक आपका खाली पेट में लिया जाता है और एक खाने के बाद। तो ब्लड टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी आप नॉर्मली शुगर होना चाहिए, डायबिटीज़ का शिकायत नहीं होना चाहिए, तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आपका टेस्ट किया जाता है ईजी टेस्ट किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसमें आपका हार्ट बीट देखा जाता है मशीन के थ्रू। तो इसमें भी आपका नॉर्मली जनरली सबका आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहने से इस टेस्ट में सब पास ही हो जाते हैं। तो इतने सारे टेस्ट किया जाता है, उसके बाद आपका एक होता है हाइड्रोसिल टेस्ट भी किया जाता है, इसके बारे में सबको पता होगा। तो ये टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, ये हाइड्रोसिल होना नहीं चाहिए, तो टेस्ट में प्रॉब्लम होने से आपको फिर से बुलाया जा सकता है कुछ दिनों का टाइम दे करके इस टेस्ट को लेने के लिए। इसमें इसके बाद एक और टेस्ट किया जाता है जिसमें आपका आई चेक किया जाता है कि आप सही से सुन पा रहे हैं कि नहीं। तो इतने सारे मेडिकल में टेस्ट किए जाते हैं ALP एग्जाम के लिए, और ये वन मेडिकल इसी को बोला जाता है क्योंकि इसमें आपका 6x6 विजन खोजा जाता है। फ्रेंड्स, इतने सारे मेडिकल एग्जाम लिए जाते हैं, और अगर आपका आई 6x6 विजन है तो आप समझिए कि A1 मेडिकली फिट है और आपका 75% आप इस मेडिकल एग्जाम में पास है, क्योंकि आईज़ को मेन जनरली प्रीफर किया जाता है कि 6x6 होना ही चाहिए, क्योंकि आपका जो जॉब है LP इसमें आपको सिग्नल बहुत दूर से दिख जाना चाहिए, तभी आप जल्दी जल्दी सिग्नल बोल पाएंगे और गाड़ी तभी चल पाएगी अच्छे से। तो इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है आईज़ चेकअप में। अगर आपका आई 6x6 विजन हो जाता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और बाकी सारे टेस्ट में नॉर्मली हो जाते हैं। तो इतने सारे टेस्ट होते हैं और ये मेडिकल क्राइटेरिया है LP एग्जाम का। और इसके और बहुत लोग पूछते हैं कि सर, अगर मेडिकल एग्जाम में फेल हो जाए तो मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं। तो आपको मेडिकल एग्जाम में अगर आप फेल हो जाते हैं और अगर आपका टेक्नीशियन का कट ऑफ पार किया हुआ है तो आपको मेडिकली डी कैटेगराइज करके B1, B2 और C1 कैटेगरी में डाल करके आपका मेडिकल फिर से लिया जाएगा। और अगर आप इसमें फिट हो जाते हैं और आपका टेक्नीशियन का कट ऑफ पार किया हुआ है तो आपको इजीली टेक्नीशियन में पोस्ट कोई भी मिल जाएगा। तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगर आप ITI होल्डर है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है LP टेक्नीशियन में, क्योंकि टेक्नीशियन में थोड़ा कटअप कम जाते हैं, और अगर आप तो टेक्नीशियन में एलिजिबल हो जाते हैं इसलिए ITI वाले। तो इसमें अगर आप मेडिकली अनफिट भी हो जाते हैं 6x6 विजन तो रहना ज़रूरी है, क्योंकि साइको के एग्ज़ाम देने के टाइम ही आपका विजन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। और अगर बाद में अगर आपको कोई रीज़न से कोई अदर में फिट नहीं बैठते हैं तो आपको मेडिकली डी कैटेगराइज करके भी आपको टेक्नीशियन पोस्ट में इजली मिल सकता है जॉब। तो टेक्नीशियन वालों को आराम से मिल जाता है। तो मेडिकल में फेल होने से भी आपको दूसरे पोस्ट में मेडिकली डी कैटेगराइज करके आपको दूसरा पोस्ट दे दिया जाता है। तो एक क्राइटेरिया है पूरा LP एग्ज़ाम में, मेडिकल एग्ज़ाम लेने का प्रोसेस है पूरा। तो आपको जो भी डाउट होता है वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जो भी प्रोसेस होता है मेडिकल एग्ज़ाम का ये मैंने सारे डिस्कस कर दिया है। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। तो जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी सामान के पहुँचाना है अपने भाई के चैनल को, और आप लोग सपोर्ट करिए तो जल्दी वन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।